सो सलार के मेकर्स की तरफ से आज पृथ्वीराज सुकुमारन सर के बर्थडे के दिन एक पोस्टर रिवील किया गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे पृथ्वीराज सर। एक्सपेक्टेबल था ये पोस्टर, पता था आज उनके बर्थडे है तो कोई ना कोई पृथ्वीराज सर के कैरेक्टर के रिलेटेड पोस्टर आएगा, लेकिन सलार में इनके कैरेक्टर को लेके काफी कुछ कंफ्यूजन है कि ये पॉजिटिव रोल में है या फिर कोई विलन के रोल में है। और ऊपर से इस पोस्टर के साथ जो उनके कैरेक्टर के आगे वर्ड लिखा गया है, इसने इस कैरेक्टर को लेकर और कंफ्यूजन बढ़ा दी है। तो चलिए आपके कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करते हैं, लेट्स चेक इट आउट। एवरीवन वेलकम टू द फिल्मी बी, मैं हूं एकता जानी। सो सलार के मेकर्स के द्वारा एक और पोस्टर जारी किया गया है, पृथ्वीराज सुकुमारन का पोस्टर है ये, काफी जबरदस्त पोस्टर है ये। फ्रंट लुक उनका दिखाया गया है, आगे जब उनका पोस्टर रिवील हुआ था उसमें उनका साइड लुक दिखाया गया था, उस वक्त उन्होंने गले में कुछ पहना हुआ था, इस बार गले में स्कार्फ पहना है उन्होंने, माथे पर तिलक है, नाक में कुछ पहना हुआ है और साथ में हल्की सी स्माइल है फेस पर। एज यूजुअल पूरा डार्क लेआउट में है ये पोस्टर, पीछे उनके कोई टोली दिख रही है। अब ये उनके ही गैंग हो सकती है या फिर हो सकता है कि उनके कोई दुश्मन की गैंग हो। अब सवाल यह आता है कि सलार में इस कैरेक्टर की क्या भूमिका होने वाली है, क्या ये पॉजिटिव रोल में है या विलन के रोल में है। ये समस्या है तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वीराज सर ने खुद ने एक इंटरव्यू में कंफर्मेशन दिया है कि वो सलार में विलन का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, मतलब कि वो सलार के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में होंगे। दूसरी बात, इस पोस्टर के नीचे मेकर्स ने उनके कैरेक्टर का नाम लिखा है वर्धराजा मन्नार और पीछे लिखा है द किंग। सॉरी नाम काफी अटपटा है तो अगर उससे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया हो तो, लेकिन ये कैरेक्टर के नाम के पीछे जो तक किंग लिखा है तो हो सकता है कहीं एक जगह पर उनका एज ए राजा वर्चस्व चल रहा हो। और सबसे मेन बात कि ये पोस्टर रिवील किया है प्रभास ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो चल रही थी प्रभास के इंस्टाग्राम अकाउंट को लेके कि उन्होंने खुद ही डिलीट कर दिया है, हैक कर दिया गया है, अब वो वापस कभी नहीं आएंगे, उनका अकाउंट नहीं दिखेगा इंस्टाग्राम पर, उठा के बाल्टी मारेगा साला, पानी नहीं मांगेगा। तो हाँ, एक दिन के लिए उनका अकाउंट डिसेबल हो गया था, वजह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई और भी हो सकती है, लेकिन फाइनली अब खुशखबरी ये है कि प्रभास फिर से लौट आए हैं इंस्टाग्राम पर। सो फाइनली 22 दिसंबर को रिलीज हो रही है सलार थिएटर्स में। आपको ये पोस्टर कैसा लगा और उसमें पृथ्वीराज सर का ये अवतार कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ, तब तक प्लीज आपका बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।